वुलयु तरक मखफूर ला युतब इशात फरमाते आगा रहिए जुल्म की तीन किस्में बस एक जुल्म ऐसा है इसे कभी मुआफ़ नहीं किया जाएगा एक ऐसा है कि जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता यानी मवाखज़ा किए बग़ैर और एक जुल्म ऐसा है कि जिसको मुआफ़ किया जाएगा और उस पर कोई इंसान से मवाखजा नहीं होगा तो तीन जुल्म बयान किए मौला ने अपने इस फरमान में फिर वजाहत फरमाई जी लाखफर फशर को बिल्ला बस वो जुल जिसे बख्शा नहीं जा सकता वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना है वो अम्मा मजी लाखफर और वो जुल्मी युख़फ़र के जो बख्शा जाएगा अब्द नफ्सहु इंदा इन हन्यार बस वो ऐसा जुल्म है जो किसी इंसान ने खुद अपने ऊपर किया हो बाज़ खुशी के मौके पर ज्यादा खा लेना ज्यादा सो जाना अपने नफ्स पर ज्यादी है ना या ज्यादा बोल देना इस तरह के वो जो नफसे के मसाइल हैं वो जो अपने वो जुल्म किया है उसके लिए इमाम फरमाते हैं वो जुल्म जो है वो बख्शा जाएगा जो इंसान ने अपनी ज़ात पर किया है वो अम जुल्म लजी ला यु और वो जुल्म जिसको तर्क नहीं किया जा सकता बाज़ा। तो वो बंदगा ने खुदा का बास पर बास का जुल्म करना आपका मुझ पे जुल्म करना मेरा आप पे जुल्म करना आपका अपने घर वालों पर म करना अपनी शरीक हयात पे जुल्म करना अपने बच्चों पर जुल्म करना अपने वालदेन पर जुल्म करना तो किसी भी बंदगा ने खुदा पर जुल्म करना बख्शा नहीं जा सकता जब तक के रवायत दीगर केनुवान से जब तक के वो साहिब महामिला मुआफ ना कर, तो बहरहाल बहुत आसान है जुल्म करना और बड़ा मुश्किल है जुल्म का जवाब क्यामत में खुदा की तरफ से बर्दाश्त कर और ख़ास तौर से वो बदतरीन जुल्म सारे जुल्मों में बदतरीन जुल्म कौन सा वो म बंद खुदा की बातम पर बदतरीन जुल्म वो है कि इंसान किसी ऐसे भी जुल्म कर बैठे इसका ना सिर सिवाय खुदा के कोई और और यही जुमला था वसीयत सरकारी सैदुल शहदा इमाम सलाम के लिए या का वुल ऐसे जुल्म से बचना जो किसी ऐसे पर कर बैठो जिसका ना सिर खुदा के सिवा कोई न हो और अब मसाइल का बयान, मसाइल के बयान में हम मसाइल बयान कर रहे थे कि जो मुतालिक हैं आग की तोजी वसीयत के से हवाले से और कल बात वहां तक पहुंची थी मसला नंबर ट्वेंटी सिक्स, सिक्स जो शख्स अपने आप में मौत की निशानियां देख रहा हो अगर उसका माल अगर उसका माल किसी के पास हो या ऐसी जगह छुपा हुआ हो जिसका भरोसा को इल्म न हो या उसका माल किसी के पास हो या छुपा कर रखा हो जहां किसी को इल्म न हो उसके वरसा में तो जरूरी है कि वसीयत में उस माल की इत्तला दे दे और ये लाजिम नहीं कि वो अपने नाबालिग बच्चों के लिए निगरान और सरपरस्त करे लाजिम नहीं लेकिन इस सूरत में कि जबकि निगरान का ना होना माल के तलफ हो जाने का सबब हो या खुद बच्चों के लिए नुकसानदेह हो तो जरूरी है कि उनके लिए एक अमीन और निगरान मुकरर करे वाले मसला नंबर ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी सेवन छब्बीस सौ सड़सठ नंबर का मसला वसी का आकिल होना जरूरी है नीज जो उमूर मूसी से मुतल है एक जिसको वसीयत की जाए एक जो वसीयत करे वसीयत करने वाला मूसी जिसको वसीयत करे वो वसी इसी तरह एहतियात वाजिब की बिना पर जो उमूर दूसरों से मुतल है जरूरी है कि वसी उनके बारे में मुतमाइन हो वसी आकिल हो वसी मुतमाइन हो और जरूरी है कि मुसलमान का वसी भी एहतियात वाजिब की बिना पर मुसलमान हो अगर मूसी फकत नाबालिग बच्चे के लिए इस मकसद से वसीयत करे ताकि वो बचपन में सरपरस से इजाजत दिए बगैर सरुफ कर सके तो एहतियात वाजिब की बिना पर यह दुरुस्त नहीं है कि अगर वसीयत करने वाला नाबालिग बच्चे के लिए इस मकसद से वसीयत करे ताकि बचपन में वो सरपरस से पूछे बगैर ये काम कर बैठे तो कहते हैं ये एहतियात वाजिब की बिना पर दुरुस्त नहीं है और ज़रूरी है कि इसका तसरफ फाकिम शराह की इजाज़त से हो बहुत सारे मसाइल हैं वसीयत के हवाले से और ख़ुदा से दुआ किया कीजिए कि खुदा प्रदेश में रहने वालों के लिए कभी ऐसा वक्त न लाए कि उनके बच्चों के लिए उनके वरसा के लिए यहाँ के एतबार से कोई मुश्किल वाक़ हो जाए जो कोर्ट्स के मसाइल फिर मीराज की मुंतकली एक बाकायदा प्रोसेस है और बच्चा बालिग है नाबालिग है बेटा है बेटी है सारे मसाइल हो जाते तो एहतियात वाजिब बयान हो चुका और जरूरी है कि इसका तसरफ हाकिम शराह की इजाज़त से हो अगर नाबालिग बच्चे का मसला है तो फिर हाकिम शराह की इजाज़त के बाद इसे तसरफ का इख्तियार मिलेगा लेकिन अगर मूसी का मकसद ये हो कि बालिग होने के बाद या सरपरस की इजाजत से तसरुफ करे तो कोई शिकाल नहीं अगला मसला ट्वेंटी सिक्सटी एट अगर कोई शख्स कई लोगों को अपना वसी मुन कर दे तो अगर इसने इजाजत दी हो कि इनमें से हर एक तनह वसीयत में अमल कर सकता है चार लोग हैं तीन लोग हैं दो लोग हैं ये मेरे वसी हैं सारे तो आया इनमें से हर एक तनहा वसीयत पे अमल कर सकता है या नहीं ये मुनहसर है वसी बनाने वाले की परमिशन पर तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स कई लोगों को अपना वसी मुयन करे तो अगर इसने इजाजत दी हो कि इनमें से हर एक तनहा वसीयत पर अमल कर सकता है तो लाजिम नहीं कि वसीयत अंजाम देने में एक दूसरे से परमिशन लें कभी हो सकता है कि आपने दो तीन वसी बनाए और जब इंतकाल हुआ उनमें से एक में बैठा हुआ है एक बैठा पाकिस्तान में एक शारजहा में है तो इसलिए अगर आपने अपनी वसीयत में इस बात की परमिशन दी थी कि इनमें से कोई एक भी एक काम कर सकता है तो उस एक को फिर बाकियों से पूछने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर वसीयत करने वाले ने ऐसी कोई इजाजत न दी हो तो ख्वा उसने कहा हो या ना कहा हो कि सब मिलकर वसीयत पर अमल करें उन्हें चाहिए एक दूसरे की राय के मुताबिक वसीयत पर अमल करें और अगर वो मिलकर वसीयत पर अमल करने में तैयार ना हो ऐसा भी हो सकता है और मिलकर अमल ना करने में कोई शरी उज्र भी ना हो तो हाकिम शरा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है हाकिम शरा का मतलब मर्जे वक्त आलम और अगर वो हाकिम शरा का हुक्म ना माने या मिलकर अमल ना करने का उनके पास कोई शरी उज्र हो तो इनमें से किसी एक की जगह कोई और वसी मुकर सकता है ये अपने जाने से पहले देखना पड़ेगा कि अगर एक से ज्यादा को आपने वसी बना दिया है ये आपस में मिल बैठ कर कोई काम कर पाएंगे या नहीं आपको तो पता है कि एक घर में एक छत के नीचे एक माँ बाप की औलादे मिलके बैठने में तैयार नहीं पैसे की बात तो बहुत दूर है अफतार का वक्त हो एक कहता है मैं अपने कमरे में करूंगा दूसरा कहता है मैं नमाज के बाद करूंगा तीसरा कहता है नहीं मुझे अभी करना है तो फिर वसी बनाने वाले के मसाइल में इख्तलाफ हो सकता है तो अपने मरने से पहले इंसान को चाहिए कि या तो एक ही बसी बनाए या अगर एक से ज्यादा बनाता है तो उनके दरमियान के मसाइल को पहले सॉल्व कर ले वरना बाद में झगड़ा ही होगा अगला मसला ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी नाइन अगर कोई शख्स अपनी वसीयत से मुनहरिफ हो जाए अपनी वसीयत से खुद मुनहरिफ हो गया मसलन पहले वो ये कहे कि इस माल का तीसरा हिस्सा फला शख्स को दिया जाए और बाद में कहे कि उसे ना दिया जाए तो वसीयत कल अदम हो जाती है दिया जाए और फिर कहे ना दिया जाए तो वसीयत कैंसिल हो जाती है और अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में तब्दीली कर दे ये बात याद रखें कि वसीयत को अपडेट होना चाहिए क्या मतलब वसीयत आपने आज की है हो सकता है कल हालात बदल जाए आप फिर आप सोचें कि इसको मैंने वसी बनाया है वो तो पता नहीं गड़बड़ ना कर दे कोई हो सकता है इख्तलाफ हो जाए झगड़ा हो जाए ताल्लुकात खत्म हो जाए तो वसीयत में तब्दीली करने का अख्तियार खुद इंसान को मौजूद है तो कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में तब्दीली कर दे मसलन पहले एक शख्स को अपने बच्चों का निगरान बनाए और बाद में इसकी जगह किसी दूसरे शख्स को निगरान बना दे पहले बनाया था चाचा को बच्चों के फिर बनाया मामू को प्रेशर में आगे तो क्या होगा फिर तो इसकी पहली वसीयत कल अदम हो जाएगी चाचा वाली बात फिर लदम हो जाएगी और जरूरी है कि उसकी दूसरी वसीयत पर अमल किया जाए सलवाद पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद चौकी तीन दिन ऐसे हैं कि इन तीन दिनों में दुआए मुजीर की तिलावत का बड़ा फायदा है और दुआए मुजीर असलन वो दुआ है कि जिसके पढ़ने से इंसान के बहुत सारे मसले हल हो जाते तो सबसे बड़ा मसला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान यह दुआ जिब्राइल अमीन ने आपकी खिदमत में उस वक्त पहुंचाई जबकि आप मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे तो इसका फायदा क्या है जो शख्स इस दुआ को माहिर रमजान के अयाम दिनों में बीज रोशन यानी तेरह चौदह और पंद्रह में पढ़े तो उसके गुना माफ हो जाएंगे चाहे वो बारिश के कतरात के बराबर दरख्तों के पत्तों के बराबर सहरा के रेत के जर्रों के बराबर ही क्यों ये दुआ बीमारियों से शिफा, कर्ज की अदायगी और पैसा बढ़ जाने तवंगुर हो जाने के लिए और गम के दूर हो जाने के लिए भी मुफीद है अब आपकी जो नीयत हो कर लीजिए गुनाह बख्शवाना चाहते हैं पैसा चाहते हैं कर्जे की अदायगी चाहते हैं गम का दूर होना चाहते हैं ये तो सब आपने जमा कर दिया जवाब सियासी हो गया सलबात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो सारी नीयतें आप कर सकते हैं कोई हरज नहीं मैं सिर्फ उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं इसलिए कि आपको मुझे अरबी नहीं आती खुदा को उर्दू आती है अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से तू पाक है ए अल्लाह तू बुलंद तर है ए रहम करने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए मेहरबान तू बुलंदतर है ए करीम हमें आग से पना दे दे, ए पना देने वाले तू पाख है ए बादशाह तू बुलंदतर है ए आका हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए पाक तरीन तू बुलंदतर है सलामती देने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए अमन देने वाले तू बुलंदर है ए निगहबान, हमें आग से पनाह पना पना दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए साहिब इज्जत तू बुलंदर है ए जबरदस्त हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए बड़ाई वाले तू बुलंदर है ए बड़ाई के मालिक हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाक है ए पैदा करने वाले तू बुलंतर है ए बनाने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाक है ए सूरतगर, गर तू बुलंद है ए अंदाजा ठहराने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाक है ए हिदायत देने वाले तू बुलंदर है ए बाकी और रहने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए बहुत देने वाले तू बुलंदर है ए तौबा कबूल करने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए खोलने वाले तू बुलंदर है ए साहेब राहत यानी राहतें अता करने वाले हमें आग से पना दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख मेरे सरदार तू बुलंदर है ए मेरे मौला हमें आग से पना दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख ए नजदीक तर तू बुलंदर है ए निगहदार के हिफाजत करने वाले निगहबानी करने वाले हमें आग से पनाह दे दे पनाह देने वाले तू है इब्तिदा करने वाले और तू बुलंदर है ए लौटाने वाले जिसने हमारी इब्तिदा की वो और जिसकी तरफ लौट के जाना है वो एक ही जात तो है। हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले तू पाख ए हम के लायक तू बुलंद तर है शान वाले हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले तू पाख है सबसे पहले तू बुलंद है ए बुजुर्ग तर यानी कदीम भी वही और अजीम भी वही हमें आग से पनह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है ए बहुत बख्शने वाले तू बुलंदर है ए लायके शुक्र हमें आग से पनाह दे दे ए पनह देने वाले तू पाख है ए गवाही देने वाले हमारे आमाल ये गवाही देने वालों में फरिश्ते भी अमाल लिखने वाले जमीन और आसमान भी कि जिनके दरमियान में ये अमाल अंजाम दिए गए और हमारे खुद आजाओ जवारे भी गवाह है और सबसे बड़ा गवाह खुद परवरदिगार आलम तू पाक है, एक गवाही देने वाले तू बुलंदर है हाजिर और मौजूद परवरदिगार हर जगह हाजिर हर जगह मौजूद हमें हमे से पना पना देने वाले तू पाख है मोहब्बत वाले तू तर है एहसान करने वाले हमें आख से पना दे दे ए पना देने वाले तू पाख है ए, ए उठाने वाले कब्र से कौन उठाएगा से कौन उठाता है पाख है, है उठाने वाले तू बुलंदर है सच्चे वारिस हमारा वाली और वारिस कौन है? आलम हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाख है जिंदा करने वाले तू बुलंदर है ए मौत देने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू पाक है ए मेहरबानी करने वाले तू बुलंदर है ए साथ देने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले, तू पाक है ए रफीक, तू है ए हमदम और यावर हम सबका रफीक हम सबका यावर और हमदम कौन हर जगह परवरदिगार दुनिया साथ छोड़ती हो छोड़ दे खुदा साथ नहीं छोड़ता हमें आग से पनाह दे दे ए पन्हा देने वाले तू पाख वाले, तू बुलंदतर है ए, ए साहेब हुस्न हमें आग से पनाह दे दे ए पनहा देने वाले तू पाख है ए खबर रखने वाले तू बुलंदतर है ए देखने वाले <coughs> हमें आग से पना दे दे ए पनाह देने वाले तू तो पाख है ए साहिब अकल तू तो बुलंद तर है ए मुरादे बर लाने वाले हमें आग से पनाह दे दे ए पनाह देने वाले तू तो पाख है ए महबूद तू तो बुलंद तर है ए मौजूद ए, हकीकी हमें आग से पना दे 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 ए पना देने वाले तू पाख बख्शने वाले तू बुलंदर है जबरदस्त हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले तू पाख याद किए हुए तू बुलंदर है ए, ए शुक्र किए गए इसे याद किया जाता है इसका शुक्र अदा किया जाता है, हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले So तू पाख है ए बहुत ज्यादा सखी तू बुलंदर है ए जाए पना हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पांख है हुस्न वाले तू बुलंदर है ए बुजुर्गी वाले हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले तू पांख है सबसे अव्वल तू बुलंदर है रिस्क देने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख साहिब तू तर ए शगाफ्ता करने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख ए सुनने वाले तू तर है ए तेज तर सुनने वाले हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले तू पाख ए बुलंदी वाले तू तर है ए जिद्दत वाले हमें आग से पना दे दे ए पना देने वाले तू पाख बड़े काम करने वाले तू बुलंद आली तर पर हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख फैसला करने वाले तू बुलंद राजी हो जाने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख जबरदस्त तू बुलंद पाकीजगी वाले Долларов, हमें आग तो से तो तो पना दे दे पना देने वाले तू पाख साहिब इल्म तू बुलंद तर है साहिब हुक्म हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाखे है हमेशा रहने वाले तू बुलंदर है ए मौजूद हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाखे ए हिफाजत करने वाले तू बुलंद तकसीम करने वाले हमें आग से पना दे 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 पना देने वाले तू पाख तवंगुर तू बुलंदर है ए तबंगुर करने वाले हमें आग से पना दे दे पना पाख ए वफा वाले तू है वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख किफायत करने वाले बुलंदर है शिफा देने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख सबसे पहले तू बुलंद तर सबसे रहने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पांख सबसे अव्वल बुलंद सबसे आखिर हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख है ए आशिकार बुलंदर है ए पोशीदा हमें आग से पना दे, दे पनाह देने वाले तू पाख है ए उम्मीदगा बुलंद उम्मीद किए हुए हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख साहिब एहसान ए साहिब बख्शिश हमें आग से पना दे, दे पना देने वाले तू पाखा है निगे निगेबान हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख है यगाना है बुलंतर है हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख है ए आका बुलंद तर है बेनियाज़ हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख साहेब कुत बुलंदर है साहिब किबरियाई हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख हाकिम बुलंदर है जाते आली हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख बुलंदर है सबसे बुलंद तू पाख सरपरस बुलंदर है हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख ए हवा चलाने वाले बुलंदर है पैदा करने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख ए परा गंदा करने वाले बुलंदर है इकट्ठा करने वाले हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख इज्जत देने वाला हिफाजत करने वाला हमें आग से पना दे दे पना देने वाले पाखे ए इल्म वाले बुलंद तर है ए साहिब इम हमें आग से पना दे दे पना देने वाले तू पाख अता करने वाले बुलंद तर है रोक देने वाले तू पाख है नुकसान देने वाले बुलंद तर है नफा देने वाले हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख है दुआ कबूल करने वाले बुलंदतर हिसाब करने वाले अदल करने वाले बुलंदतर है ए जुदा करने वाले हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख है लुत्फ करने वाले बुलंदतर है इज्जत देने वाले हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख है पालने वाले बुलंदतर है बरहक हमें आग से पना दे पना देने वाले ए परवरदिगार तू पाख है मुआफ करने वाले और तू बुलंदतर है बदला लेने वाले तू पाख है कुशादगी वाले बुलंदतर है कुशादगी देने वाले हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख है मेहरबानी करने वाले बुलंदतर है नरमी करने वाले हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख है ए तनहा निगाह रखने वाले है ए, हा, ए हाता करने वाले हमें आग से पना दे पना देने वाले तू पाख कार कारसाज बुलंदतर है इंसाफ करने वाले हमें आग से पना दे पनाह देने वाले बहमति कया अमीन तो सफरों को तुरस्त तो कर लें ताकि बाद में आने वालों को जहमत दें और मोबाइल या तो साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें